वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का दूसरा लेसन ले रहे हैं श्री राम कोचिंग क्लासेस के तरफ से, और सेकेंड लेसन का नाम है फैमिली एंड सराउंडिंग्स। तो इस लेसन में हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर जो फैमिली एंड सराउंडिंग्स में हमको एक पिक्चर दिखाया गया है पहले पेज पर, यहाँ पर एक लड़की बेटी है और यहाँ पर लिखा है रिया इज रीडिंग बुक एट होम, लुक एट द थिंग्स दैट आर अराउंड हर। उसके इर्द गिर्द कौन से चीज़ें हैं ये सारे हमें देखने हैं। यहाँ पर कबर्ड है, फिर एक विंडो है, और जो पौधे हैं गमले में रखे हुए, और क्लॉक है, और एक डॉग भी है, यहाँ पर कुत्ता भी है। वैसे उन्होंने बोला है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी फोर थिंग्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर हमको वो सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द में हैं उसे लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि पेन लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, कबर्ड लिख सकते हैं। तो ऐसे ये चारों स्पेसेस को फिलअप करेंगे हम, और फिर अगले पेज में जाते हैं जहाँ पर परिवार के बारे में बताया गया है। परिवार के बारे में जो बताया गया है वो एट होम यानी एट होम यानी घर पर आपके कौन कौन लोग रहते हैं। यहाँ पर लिखा है एट होम यू लिव विथ योर फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समटाइम्स योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आल्सो लिव विथ यू, यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी तुम्हारे साथ वो रहते हैं। द पीपल हु लिव विथ अस इन आवर होम्स आर कॉल्ड फैमिली, यानी जो लोग हमारे साथ घर में रहते हैं वो एक परिवार उसे कहा जाता है। पिक्चर में देखो कि एक आदमी है और एक औरत है, दो छोटे बच्चे हैं, यानी मम्मी डैडी और दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, पूरा मिलकर एक फैमिली बन जाती। और क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है माय सराउंडिंग्स। The area and the things that are around us make our surroundings. जो जगह है और जगह के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमारा surroundings कहलाया जाता है। तो in a classroom you have classmates, benches, chairs, books, pencils, school bags, etc. in your surroundings. So ये सारी चीज़ें अगर हम क्लास का surroundings देखें तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्लास के सराउंडिंग्स में आती हैं। इन अ गार्डन और प्लेग्राउंड, अगर हम प्लेग्राउंड में जाएं या गार्डन में जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या दिखाई देता है। यू कैन सी ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ बताए नहीं गए, सिर्फ पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, फ्लावर के बारे में, और तुम्हारे दोस्त जो खेलते हैं तुम्हारे साथ उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा और भी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये पिक्चर है तो यहाँ पर हमने देखा स्विंग है, झूला है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर गौर से देखें, एक लड़की जो है वो फुटबॉल से खेल रही है, तो ये भी हमारे सराउंडिंग्स में आता है, गार्डन के सराउंडिंग्स। ऑन द रोड, अगर रोड का सीन ले लें जो यहाँ पर दिखाया गया है, रोड का सीन, तो यहाँ पर हमें व्हीकल्स दिखते हैं, यानी जो गाड़ियाँ हैं वो दिखते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं, कोई टू व्हीलर है, कोई फोर व्हीलर है। सो क्या क्या दिखते हैं, On road you can see many vehicles like cars, bikes and trucks in your surroundings. तो bikes भी दिखते हैं, trucks भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे surroundings में है। तो यह एक छोटा सा example या छोटा सा exercise activity दी गई है कि दो example आपको देने हैं
तुम्हारे क्लासरूम में क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, द थिंग्स दैट यू सी ऑन द रोड, रोड पर क्या दिखा है आपने, क्या दिखा है तो लिख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट लिख सकते हैं, या कार लिख सकते हैं, बसेस लिख सकते हैं, द थिंग्स फाउंड इन द गार्डन, तो गार्डन में क्या क्या हमको दिखा रहे हैं वो लिख सकते हैं, फ्लावर्स लिख सकते हैं और ट्रीज लिख सकते हैं। तो ऐसे जो आपके आपने देखा गार्डन में बोलो, क्लासरूम में बोलो या रोड में बोलो, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है क्लीन सराउंडिंग्स। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड टाइडी। वी शुड थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन। वी शुड नॉट लिटर। अब लिटर का मतलब है गंदगी नहीं फैलाना, जो कचरा है वो नहीं फैलाना, ओके। उसको जो भी हमारे इर्द गिर्द वातावरण है या कंपाउंड है या हमारा घर है या क्लासरूम है या रोड है, हर चीज़ को अपने हमको सावधानी बरतनी है कि वो गंदा ना हो। और इसलिए हमारे सराउंडिंग्स को यानी इर्द गिर्द के जगह को हमें साफ और सुथरा रखना है। वी शुड, और जो भी कचरा है तो बोलता है वी शुड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। डस्टबिन में सारा कचरा आप डालो। देख सकते हैं इस पिक्चर में वो लड़की जो है वो कचरा डस्टबिन में डाल रही है। क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। तो क्लीन सराउंडिंग जो है उससे हम सबको फ़ायदा होगा कि अगर साफ सुथरा हमारा सराउंडिंग्स भी हैं तो हम बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। इन अ रूम थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। अ क्लीन रूम मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू फाइंड थिंग्स व्हेन यू नीड देम। तो एक रूम के अंदर हमारा रूम हम कैसे ऑर्डर में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम इधर उधर फेंक लें, लेकिन अगर हमने प्रॉपर ऑर्डर में रखा तो जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की तो हमें जल्द से जल्द वो मिल जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रखें तो मुश्किलात हो जाती है उसे ढूंढने में। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बोले हैं लिखने के लिए। Things that you see in the playground, things that you see in the classroom, things that plants provide us. अब ये दोनों तो ईजी हैं, playground के बारे में, classroom के बारे में मैंने पहले भी बताया, लेकिन things that plants provide us, and plants से हमको क्या मिलता है, हमको flowers मिलते हैं, हमको fruits मिलते हैं, तो ये लिख सकते हो। एक वर्ड में आंसर देना, answer the following in one word. Plants who live with us in our home. तो घर पे जो पौधे लगाते हैं तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कोई भी एक, जैसे मनी प्लांट हुआ। The area and things around us. तो एरिया के बारे में लिख सकते हो तुम, कहाँ पर कौन से एरिया है, गार्डन है या प्लेग्राउंड है या स्कूल है या तुम्हारा घर है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसके बारे में लिख सकते हो एक एक वर्ड। वी शुड ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन दिस। किस में वेस्ट जो है वो किस किस या कहाँ पर फेंकते हैं, किस में फेंकते हैं, वो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि डस्टबिन में हम फेंकते हैं। द प्लेस वेयर वी सी मैनी व्हीकल्स लाइक कार्स, बाइक्स एंड ट्रक्स। कहाँ पर देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें, ये हमको ऑन रोड हमको देखने मिलता है। तो अभी ये प्रश्न है, व्हाट इज़ अ फैमिली, जैसे मैंने बोला कि फैमिली, जैसे हम अगर पहले जो पेज पर जाएं या दूसरे पेज पर जाएं तो वहाँ पर माय फैमिली का शीर्षक है, तो उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि व्हाट इज़ अ फैमिली। द पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम आर कॉल्ड फैमिली। जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो फैमिली कहलाता है, तो वो आंसर आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का भी यहाँ पर आंसर है उसी पेज पर जहाँ पर हमने फैमिली का आंसर ढूंढा था, माय सराउंडिंग्स। सो
प्रश्न क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सराउंडिंग्स का मतलब क्या है। तो जो भी चीज़ है, द थिंग्स अराउंड अस, दैट इज आर सराउंडिंग्स। ओके, तो जो भी चीज़ें हमको वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर हमको देखने मिलती हैं, तो ज़ारा सराउंडिंग्स। हाउ कैन यू कीप योर रूम टाइडी, सो हाउ कैन यू कीप योर रूम टाइडी, कैसे साफ रख सकते हैं, बाय कीपिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस वी कैन कीप आर रूम टाइडी एंड क्लीन। हाउ शुड वी लुक आफ्टर प्लांट्स, कैसे हमें प्लांट्स की देखभाल करनी है, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि रोज़ पानी डालते हैं हम, तो वी शुड वाटर आवर प्लांट्स रेगुलरली। तो ये सारे आंसर्स हो गए और इसके साथ ही ये लेसन भी ख़त्म हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेसन में मिलते हैं और नए कुछ सीखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।